तो स्टूडेंट्स अब हम ना शियर स्ट्रेसेस इन बीम पॉइंट पे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छी तरह से देखो, अ सर्क्यूलर सेक्शन ऑफ 100 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 3 kN व्हेन यूज्ड एज अ बीम। डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस induced and the minimum shear stress. Sketch the stress distribution diagram. Okay, सबसे पहले given क्या है, देखो यहां पे जो circular cross section है ना उसका diameter given है। अब diameter given है मतलब we can calculate cross section area of the section. So A equal to pi by 4 d square, d की वैल्यू 100 पुट अप करो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स मतलब F, स्टूडेंट्स यहां पे एक तो F से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर S से रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा, और एक बार शियर फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय F और S दोनों भी चलेगा। ओके, तो शियर फोर्स 3 kN मतलब 3 × 10³ N, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। अब यहां पे शियर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम अच्छी तरह से देखो, एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम एंड को शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो। एंड जैसे हम टुवर्ड्स न्यूट्रल एक्सिस जाते हैं ना शियर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, समझ में आ रहा है ना। यहां पे शियर स्ट्रेस जीरो, जैसे हम टुवर्ड्स न्यूट्रल एक्सिस आएंगे ना तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंड एट द न्यूट्रल एक्सिस शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रहा है। ओके, सो यहां पे कंसेप्ट क्या है, देखो एट द एक्सट्रीम एंड शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो ना, यानी मिनिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ओके, हमें यहां पे क्यू मैक्स फाइंड करना है। सो क्यू मैक्स फाइंड करने के लिए पहले हम यहां पे ना एवरेज शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे। अच्छी तरह से देखो, एवरेज शियर स्ट्रेस, तो एवरेज शियर स्ट्रेस मतलब क्यू एवरेज, एंड क्यू एवरेज इक्वल टू एफ अपॉन ए मतलब शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर फोर्स क्या है, 3000 N, क्रॉस सेक्शन एरिया 7853.98, ठीक है। अब यहां पे ना क्यू एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी 0.381 N/mm². ओके, अब एक बार क्यू एवरेज मिलने के बाद अच्छी तरह से देखो, फॉर सर्क्यूलर सेक्शन, फॉर सर्क्यूलर सेक्शन क्यू मैक्स इक्वल टू 4/3 × Q average। ओके, सो इक्वल टू 4/3 × Q average 0.381, ओके, इक्वल टू अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया ना तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी 0.509 N/mm². सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अ सर्क्यूलर बीम सेक्शन 200 mm इन डायमीटर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 100 kN, कैलक्यूलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेक्शन, ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बीम क्रॉस सेक्शन। ओके, यहां पे ना सबसे पहले गिवन क्या है, देखो सर्क्यूलर बीम सेक्शन का डायमीटर गिवन है, विद द हेल्प ऑफ डायमीटर वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ओके। उसके बाद शियर फोर्स मतलब एफ यहां पे गिवन है, ठीक है ना। अब डायग्राम में दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है ना। डायमीटर क्या है 200 mm। अब स्टूडेंट्स शियर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम कैसे होगी, देखो एक्सट्रीम टॉप एंड एक्सट्रीम बॉटम को शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो, एज वी कम टूवर्ड्स न्यूट्रल एक्सिस वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल बी मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आ रहा है, इट विल मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। हमें यहां पे क्यू मैक्स फाइंड करना है, ओके। सो अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले हमें ना क्यू मैक्स फाइंड करने के लिए क्यू एवरेज की जरूरत है। सो क्या करेंगे, देखो एवरेज शियर स्ट्रेस, हम इसको क्यू एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू एवरेज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर फोर्स क्या है, 100 इंटू 10^3 अपॉन एरिया 31415.92, ठीक है ना। सो यहां पे Q एवरेज वैल्यू मिल जाएगी 3.18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक बार Q एवरेज मिलने के बाद ना हमें एक्चुअली Q मैक्स फाइंड करना है ना। सो नाउ फॉर सर्क्यूलर सेक्शन, अच्छी तरह देखो, नाउ फॉर सर्क्यूलर सेक्शन Q max equal to 4/3 into Q average. So 4/3 into Q average की value 3.18, ठीक है, equal to, अब अच्छी तरह से देखो यहां पे अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया तो वैल्यू मिल जाएगी 4.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी अवर फाइनल वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स। अब ये वैल्यू ना हम यहां पे डायग्राम में पुट करेंगे, क्या है देखो क्यू मैक्स इक्वल टू 4.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज एन यूडीएल ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर स्पैन ऑफ 6 मीटर। बीम हैज सर्क्यूलर सेक्शन ऑफ डायमीटर 150 mm। डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन 2.5 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, ओके। देखो ना यहां पे टाइप ऑफ बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन 6 मीटर, यूडीएल की इंटेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स हमें यहां पे ना फ्रॉम दिस एंड 2.5 मीटर, ये जो सेक्शन है ना अलोंग दिस सेक्शन कैलकुलेशन करना है। सो सबसे पहले अलोंग दिस सेक्शन हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। फॉर दैट अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। अगर आपने लोडिंग ऑब्जर्व किया ना तो लोडिंग क्या है, सिमेट्रिकल है। सो देयरफॉर आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड अपॉन टू ना, टोटल लोड मतलब यूडीएल का टोटल लोड कितना है, इंटेंसिटी इंटू स्पैन ना, देखो ना इंटेंसिटी इंटू स्पैन डिवाइड बाय टू, तो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी 66 किलो न्यूटन। अब आर ए मिल गया, अब अच्छी तरह से देखो, देयरफॉर एफ, एफ मतलब क्या है, शियर फोर्स, ठीक है ना। हम इस सेक्शन को ना एक्स एक्स कंसीडर करेंगे, अच्छी तरह से देखो, तो शियर फोर्स अलोंग एक्स एक्स इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हम ना सेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो आप ही बता दो अलोंग दिस सेक्शन
RA की RA क्या है clockwise ना, so कैसे लेंगे plus RA मतलब 66 और UDL जो है ना कैसा है anti clockwise, so कैसे लेंगे minus UDL के लिए intensity into span, intensity into span समझ में आ रहे हैं। और एक बार along this section हमें shear force find करना है, convention क्या है along the section फोर्स क्लॉकवाइज हो तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज हो तो माइनस, सो आरए क्लॉकवाइज इसीलिए प्लस, यूडीएल के लिए इंटेंसिटी टू स्पैन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ठीक है ना। सो यहां पे हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड एफ की वैल्यू मिल जाएगी 11 किलो न्यूटन। अब 11 किलो न्यूटन मतलब 11 इंटू 10 रेज्ड टू 3 न्यूटन, ओके। अब F तो मिल गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ना फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम एरिया फाइंड करेंगे। अच्छी तरह से देखो यहां पे डायमीटर कितना है 150 mm, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू पाई बाय 4d स्क्वायर, पाई बाय 4 150 स्क्वायर इक्वल टू एरिया मिल जाएगा 11671.45 mm स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ना, देखो ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मतलब क्यू मैक्स, क्यू मैक्स के लिए हमें क्यू एवरेज की जरूरत है, सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे क्यू एवरेज। अच्छी तरह से देखो नाउ क्यू एवरेज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स क्या है 11 इंटू 10 रेज टू 3 और एरिया क्या है 11671.45 इक्वल टू यहां पे ना क्यू एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी 0.622 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ क्यू एवरेज। हमें फाइंड क्या करना है क्यू मैक्स ना, सो फॉर सर्क्यूलर सेक्शन अच्छी तरह से देखो फॉर सर्क्यूलर सेक्शन क्यू मैक्स इक्वल टू 4/3 इंटू क्यू एवरेज मतलब 4/3 इंटू 0.622 अगर कैलकुलेशन किया ना तो वैल्यू मिल जाएगी 0.829 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ओके। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू ना हम यहां पे पुट अप करेंगे तो 0.829 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो और एक बार रिवाइज करेंगे, देखो ना यहां पे हमें क्या फाइंड करना था क्यू मैक्स फाइंड करना था, क्यू मैक्स के लिए क्यू एवरेज की जरूरत है ना, दैट्स व्हाई हमने क्यू एवरेज कैलकुलेट किया। क्यू एवरेज में एफ एंड ए की जरूरत है, सो हमने यहां पे पहले यहां पे एरिया फाइंड किया और इंपॉर्टेंट हमें एफ चाहिए था ना, और एफ कहां पे चाहिए था एट अ सेक्शन 2.5 मीटर फ्रॉम द एंड, दैट्स व्हाई हमने पहले रिएक्शन कैलकुलेट किया एंड रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमने शियर फोर्स अलोंग दिस सेक्शन कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है, ओके। वीडियो पॉज करके एग्जांपल सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 230 mm by 350 mm क्रॉस सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज एन यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर 8 मीटर स्पैन, डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन 1 मीटर फ्रॉम सपोर्ट, ओके। हमें यहां पे क्या फाइंड करना है
q max, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन q max इक्वल टू 1.5 इनटू q एवरेज, ठीक है ना, एंड इक्वल टू 1.5 इनटू q एवरेज मतलब क्या है, f अपॉन a। अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो f फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद q max मिल जाएगा। क्लियर ना? ओके तो देखो अभी यहां पे गिवन क्या है, टाइप ऑफ बीम सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग स्पैन 8 मीटर सब्जेक्टेड टू यूडीएल हैविंग इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके फॉर दिस बीम हमें ना क्या करना है, कैलकुलेशन अलोंग दिस सेक्शन करना है, इसको हम एक्स एक्स कंसीडर करेंगे। अब अलोंग दिस सेक्शन अगर कैलकुलेशन करना हो तो पहले रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो देखो ना लोडिंग क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल, सो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड क्या है 20 इंटू 8 इंटेंसिटी इंटू स्पैन अपॉन 2। सो यहां पे वैल्यू मिल जाएगी 80 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन मिलने के बाद हमें क्या करना है, शियर फोर्स अलोंग सेक्शन एक्स एक्स फाइंड करना है। सो हम ना एक्स एक्स की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो ना अलोंग दिस सेक्शन आर ए क्या है, क्लॉकवाइज कैसे लेंगे, प्लस, सो प्लस आर ए मतलब 80 माइनस यूडीएल क्या है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस इंटेंसिटी इनटू स्पैन, इंटेंसिटी इनटू स्पैन इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। अब स्टूडेंट्स 60 किलो न्यूटन मतलब 60 इनटू 10 रेज्ड टू 3 न्यूटन, ये क्या है शियर फोर्स एट अ सेक्शन एक्स एक्स। अब स्टूडेंट्स देखो ना यहां पे एफ की वैल्यू मिल गई, हमें ए फाइंड करना है ना, सो सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अच्छी तरह से देखो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है ना, हियर ए इक्वल टू बी इंटू डी, ठीक है ना, सो यहां पे बी की वैल्यू 230 इंटू डी की वैल्यू 350। इसको ना एज इट इज फॉर्मूला में पुटअप किया तो भी चलेगा, ठीक है ना, या फिर कैलकुलेशन किया तो वैल्यू मिल जाएगी 80500 mm². ओके अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्यू एवरेज एंड उसके बाद क्यू मैक्स। सो देखो नाउ क्यू एवरेज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है ना, सो 60 इंटू 10 रेस टू 3 अपॉन एरिया, ठीक है, यहां पे q एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी 0.74 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब इसके बाद नाउ हमें फाइंड क्या करना है, q मैक्स ना। सो देखो ना फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन q max equal to 1.5 into q average, so 1.5 into 0.74। अब अगर कैलकुलेशन किया ना तो वैल्यू मिल जाएगी 1.11 न्यूटन पर mm². सो स्टूडेंट्स दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। अब ये जो वैल्यू है ना हम यहां पे पुट अप करेंगे शियर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम में, 1.11 न्यूटन पर mm². ओके